और क्या ही खूबसूरत लोकेशन ब्रेकफास्ट के लिए। टाइम टू से गुड बाय टू क्लब महिंद्रा। तो ये है कंडा घाट का लोकल मार्केट। बहुत ही नैरो रोड है, लगता है रास्ता बंद है आगे। तो गाड़ी में आ रही है कुछ बास। मीठा गन्ना मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। केम छो मजामा। सुबह के बज गए हैं 7 और हम हैं अभी कांडा घाट। एक्सपीडिशन की हमारी तैयारी कल हो चुकी है और अब हम थोड़ी ही देर में यहाँ से निकलने वाले हैं। ब्यूटीफुल व्यूज फ्रॉम द रूम ऑफ दिस क्लब महिंद्रा रिजॉर्ट। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। एंजॉय रहा स्टे, काफ़ी मज़ा आया। रात को ठंड थी करीब 6 डिग्री के करीब, बट वी हैड हीटर इन अवर रूम, सो वी हैड अ कम्फर्टेबल नाइट स्लीप। कोई तकलीफ नहीं थी। और लगेज है अपना तैयार, रेडी टू बी लोडेड इन द कार। तो फटाफट हो जाते हैं नहा धो के रेडी और ब्रेकफास्ट करके स्टार्ट करते हैं अवर जर्नी टुवर्ड्स नारकंदा। सो वेलकम बैक गाइज, नहा धो के हो गए हम तैयार, फटाफट फ्रेश फीलिंग। गाइस गाड़ी हो गई है अपनी सेट, लगेज हो गया है लोड, जो यूज्ड कपड़े और एक्स्ट्रा सामान था वो सब हमने इस रूफ रैक पे लोड कर दिया है। अमेजोन से लिया हुआ रूफ बैग है, वाटरप्रूफ है, तो सब अंदर डाल दिया है। लग रही है ना एकदम चकाचक अपनी स्कॉर्पियन किंग। तो गाड़ी कर ली है पूरी लोड, ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। थोड़ा लेट हो गया है, 9:15 हो गया। हैवी ब्रेकफास्ट कर लेंगे, 9:30 तक करीबन हो जाएगा। और क्या ही खूबसूरत लोकेशन ब्रेकफास्ट के लिए, पहाड़ों के बीच। ब्रेकफास्ट का स्प्रेड तो आज सही है, जूस फ्रूट्स, वाओ, मेंदू वड़ा, इडली, साउथ इंडियन ब्रेड्स, मफिन्स। तो शेफ ने बोला है मेजॉरिटी फूड जैन है, फटाफट ले लेते हैं। तुम्हारा भी इसमें ही लेना है क्या, प्लेट ले रहे? नहीं, नया प्लेट लेता हूँ मैं। गाइस ब्रेकफास्ट आ गया है अपना, थैंक यू। सो बस इतना सा ही लिया है, कुकुम्बर जूस, वाटरमेलन जूस, कट फ्रूट्स और थोड़ा साउथ इंडियन। कपकेक बड़ी बढ़िया है। मुझे स्वीट पसंद नहीं है, मैं तो नहीं खाऊंगा। स्वीट नहीं है इतना, वेनिला चॉकलेट मिक्स है। और ये आ गया अपना चिली उत्तप्पा। तो बढ़िया सा ब्रेकफास्ट हो गया है खत्म। टाइम टू से गुड बाय टू क्लब महिंद्रा। जाने का मन तो नहीं है बट अभी एक्सपीडिशन, सो फटाफट जाते हैं, थोड़ा डस्टिंग कर लेते हैं गाड़ी का। चेकआउट वगैरह करके अब निकल चुके हैं, तो शुरू करते हैं अपना स्पीति विंटर एक्सपीडिशन लेके प्रभु का नाम मोरिया। यहाँ से अब हम जाने वाले हैं नारकंडा की तरफ। नारकंडा का रास्ता यहाँ से करीबन 115 किलोमीटर है। तो ये है कंडा घाट का लोकल मार्केट। यहाँ पे हम रुके हैं लेने के लिए थोड़ी ग्रोसरीज और दूध दही वगैरह, छोटी छोटी चीजें जो रिफिल करनी होती है हमें। तो आज का हमारा पहला डेस्टिनेशन होने वाला है हाटू पीक एट नारकंडा। यहाँ से बता रहा है वो करीबन 4.25 घंटे गोइंग पासिंग थ्रू छेल एंड कुफरी। 4 घंटे इसलिए बता रहा है क्योंकि रास्ता थोड़ा सिंगल लेन है, ऑनकमिंग ट्रैफिक होगा, बट बहुत ही सीनिक व्यू है, इसीलिए हमने वो रूट चूज किया है। तो ये हो गया है अपना रिफिल, ब्रेड, दही, पनीर
ब्यूटीफुल ग्रीनरी ऑल अराउंड, दोनों बाजू पूरे पेड़ लगे हुए हैं, फुल ट्री कवर है, और देख सकते हो आप क्या व्यूज है। वाओ, एकदम शांति वाला रास्ता है, कोई ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं, बस शांति से ड्राइव एंजॉय करो और चलाते रहो। तो एंटरिंग कुफरी, प्रॉपर कुफरी में हम नहीं घुसने वाले हैं, बाईपास करके हम निकल जाएंगे ठियोग होकर टुवर्ड्स नारकंदा। टूरिस्ट से ज्यादा भीड़ तो टैक्सी वालों और घोड़े वालों की लग रही है। तो ये अब हम पहुंच गए हैं थियोग। ये हमारा स्पीति का एक्सपीडिशन सेकेंड टाइम है इसी साल में। इससे पहले भी हम आए थे दिसंबर में। जब दिसंबर में आए थे तब हम यहाँ थियोग में रुके थे, तब हम एक कॉन्वॉय के साथ एक ग्रुप के साथ आए थे। तो नारकंडा बता रहा है 33 किलोमीटर और रामपुर 99, करीबन एक घंटे में तो पहुँच जाने चाहिए नारकंडा। अपने इस ट्रिप के किलोमीटर हो गए 2352। डी एग्जॉटिका क्रेस्ट, ये था हमारा लास्ट टाइम का होटल। And so the beautiful part of our drive has started from Thiog towards Narkanda. Clear skies, kya mazedar mausam hai, kya mazedar. Aur pahad, unche unche pahad, jahan tak nazar jaye wahan tak. फिलहाल रोड्स अच्छे रहने वाले हैं अप टू रामपुर, उसके आगे भी काफ़ी हद तक अच्छे रोड्स हैं। सिर्फ मलिंग नाला के वहाँ थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है, तो जहाँ जहाँ भी कंस्ट्रक्शन वर्क चालू होता है वहाँ थोड़ा दिक्कत होता है, बट ऐसे तो फुल टार रोड्स है अप टू काजा, तो ड्राइव स्मूथ रहता है। पेट्रोल पंप न्यारा, पेट्रोल पंप का भी क्या लोकेशन है, न्यारा न्यारा पेट्रोल पंप। थैंक यू भैया। तो अभी हमने कट ले लिया है हाटू पीक की तरफ जाने के लिए। 6 किलोमीटर है यहाँ से। बर्फ होती तो मुझे लगता है ये पूरा रोड स्नो से कवर्ड होता। अभी ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन अपनी स्कॉर्पियन किंग को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आई एम श्योर उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही नैरो रोड है, एक गाड़ी की जगह मुश्किल से है इसमें, हमने सामने क्रॉसिंग होता है। सोच से तो ज्यादा डरावना है ये। तो ये ड्राइव तो कुछ अलग ही था अभी तक से। अच्छा हुआ हमने डिसाइड किया यहाँ आने का, बहुत ही बढ़िया ड्राइव था स्कॉर्पियन किंग के लिए और हमारे लिए भी। मैडम तो अभी उठे हैं एवोमाइन खा के, मोशन सिकनेस की उसको ज्यादा ही कुछ तकलीफ है, तो खा के वो आराम से सोई थी। अभी भी तबीयत इसकी ठीक ठाक ही है। बहुत ही जजमेंटल ड्राइविंग करना पड़ रहा है, और ये हाथी को घुमाना बहुत डिफिकल्ट है। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, क्या ब्यूटीफुल लोकेशन है।
काफी स्नो दिख रहा है यहाँ पे, तो काफी बर्फ है। हमें अभी और 2 किलोमीटर आगे जाना है, लगता है रास्ता बंद है आगे, तो आगे तो नहीं जा पाएंगे। तो गाड़ी में आ रही है कुछ बास, पता नहीं चल रहा आ रही है कुछ बास, मुझे लगता है हैवी क्लच यूजेज के वजह से थोड़ी क्लच की स्मेल आ रही है। तो गाइस ऊपर तो हमें पार्किंग मिला नहीं, गर्दी वहाँ थी थोड़ी और छांव भी नहीं था वहाँ पे कहीं पे, और वहाँ ज़्यादा कुछ करने जैसा लग भी नहीं रहा था, सिर्फ एक छोटा सा स्नो का एक माउंटेन है वहाँ पे, पब्लिक जाके खेल रही है, तो हमें वैसे कुछ इंटरेस्ट नहीं था। और अपना लंच भी बाकी है और पता नहीं गाड़ी में से कुछ जलने की बास भी आ रही है, तो आई थिंक क्लच का ओवर यूजेज हुआ है अभी चढ़ते वक्त, इसीलिए शायद गर्म होके वो बास दे रहा था, तो इसीलिए मैंने गाड़ी यहाँ पे रुका दी है। अभी भी थोड़ी थोड़ी बास तो आ रही है, तो गाड़ी को यहाँ पे ही पार्क करके छांव में थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं, और छांव है तो हम भी अपना लंच कर देते हैं। और ये हमारा है ड्रॉवर पुल आउट किचन, जिसमें हमारे खाने पीने की सारी व्यवस्था हो गई है। 2 ड्रॉवर है, एक ड्रॉवर में हमने यूटेंसिल्स वहाँ पे रखे हुए हैं, यहाँ पे गैस और यहाँ पे सब स्पून्स वगैरह है, आप देख सकते हो पूरा भरा हुआ है। ये हमारा फोल्डिंग टेबल, फटाफट कुक करेंगे क्योंकि अभी हमें और आगे जाना है। फिर भी ठंडी लग रही है, अच्छा लोकेशन है ये अपने लंच के लिए, कैंपिंग भी कर सकते हैं वहाँ पे, लेकिन यहाँ रुकना नहीं है, हम जाएंगे थोड़ा आगे। अभी तो सिर्फ 3:15 हुए हैं, अभी ऊपर जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है क्योंकि वहाँ पे गर्दी है और चढ़ के ऊपर हाटू पीक तक जाना नहीं है। तो गाइज अपना लंच हो चुका है ख़त्म, गाड़ी भी ठंडी हो चुकी है, क्लच में से जो कुछ थोड़ी बहुत बास आ रही थी जलने की वो अभी नहीं आ रही है, होपफुली कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब यहाँ से निकलते हैं क्योंकि नेटवर्क भी नहीं आ रहा यहाँ पे, तो कहाँ जाना है, कितनी दूर तक पहुँच पाएंगे वो भी पता नहीं चल रहा। हो गए प्लेट्स वॉश, ऑल डन, जल्दी रख दो तो फिर अंदर निकलते हैं। किचन सेटअप का पूरा वीडियो आपको फिर कभी बताऊंगा, कैसे हम वाटर मैनेजमेंट करते हैं, कैसे कुकिंग होता है, कैसे स्टोरेज है, कैसे फ्रिज यूज करते हैं, पूरा किचन के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, डिटेल वीडियो। निकलते हैं फटाफट, बहुत ही मजेदार रहा है हाटू पीक का ड्राइव, भले हम ऊपर तक गए नहीं हाटू टेंपल तक, लेकिन ये जो ड्राइव था वो ही एक वर्थ था। एकदम छोटा सा रास्ता है, 2 गाड़ियां आमने सामने आ जाती है तो टेंशन हो जाती है। अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स रामपुर, नेटवर्क अभी तक आया नहीं है तो कुछ टाइम वेस्ट कर नहीं रहे, कहाँ जाना है कहाँ रुकना है, क्योंकि ऑन द वे ही है, रामपुर से आगे ही जाना है जहाँ जाना है, तो रामपुर तक फटाफट पहुंच जाते हैं अभी, क्योंकि रोड्स अच्छे हैं, साइड रेल लगी हुई है पूरे तरफ, बहुत ही बढ़िया रोड बना हुआ है, पूरा टार रोड है अप टू रामपुर, तो फटाफट वहां पहुंच जाते हैं पहले, और फिर वहां एवंस नेटवर्क आएगा तो सोचते हैं कहां जाते हैं। बेटर तो ये भी होगा कि अगर हम कैंपिंग कहीं लाइट में ही करें, क्योंकि आज रात को हमें रुकना है ओवरलैंडिंग के लिए, तो कौन सी जगह सिलेक्ट करें वो लाइट में चूज करें तो बेटर रहेगा, बट फिर भी देखते हैं कैसे होता है आगे। रोड कंस्ट्रक्शन जहाँ चालू है वहाँ रोड थोड़े खराब है, बट वही है, ये रोड कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो वही सीधा टारमैक अप टू काजा, हम सोच रहे हैं सीधा चितकुल चले जाए। चितकुल का एलिवेशन करीबन 11,000 फीट है, तो मे बी आज वहाँ पे रात को गाड़ी में रुक के हमें पता चल जाएगा कि हम कितनी ठंड सहन कर पा रहे हैं और कितना AMS हमें हो रहा है। तो अभी ले लिया है एक छोटा सा ब्रेक, पीते हैं गन्ना जूस।
मीठा गन्ना है ना, मीठा गन्ना। सही है, बिल्कुल बिल्कुल प्योर प्योर, एकदम प्योर। क्या बढ़िया जूस बनाया है गन्ने का। और ये देखो पीछे नजारे, विथ गन्ना जूस। तो जब तक हम मजा लेते हैं गन्ने के रस का, तब तक आप मजा लीजिए इन नज़ारों का। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आपको देखने मिलने वाला है स्पीति का दिल दहलाने वाला रोमांचक नाइट ड्राइव।